कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, $8,000-$10,000 इजिली बनता है यहाँ पे अपना ट्रक वाला। $10,000 $8,000 हो गए। 8,00,000 रुपए महीने के? महीने महीने में कितना चलाते हैं, कितने दिन चलाते हैं और पैसा कितना मिलता है आपको? What a difference to the Indian truck, ये तो मतलब बहुत comfortable है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ड्राइवर के लिए डिजाइन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में ट्रक में सफर करने के बाद अब अमेरिका में भी ट्रक यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों में ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी के फर्क को सामने रखने की कोशिश की है। और कुछ करते हो? बस यही करते हो, यही काम करते हो। कौन सा इंजन है इसमें? अट्ठाईस अठारह। चलिए पहले आपको अमेरिका में राहुल की ट्रक यात्रा के कुछ हिस्से दिखाते हैं। What a difference to the Indian truck, ये तो मतलब बहुत comfortable है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ये ड्राइवर के लिए डिजाइन है, मतलब ये आपके कंफर्ट को देख के बनाया गया है जी। हिंदुस्तान में जो ट्रक है जी, उसको ड्राइवर के कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं, वो ड्राइवर के लिए नहीं बनाया, ड्राइवर के लिए नहीं बनाया। तो अगर जो चढ़ाता है आप उसको कंफर्ट नहीं दे सकते तो फिर किसको देखो? तो उसके लिए उसके बड़ा जरूरी बात है कि जो भाई चलाता है मेहनत करता है, जिसके साथ आपका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, तो उसको कंफर्ट का जरूर ध्यान रखें। इंडिया के कंपैरिजन में सेफ्टी बहुत ज्यादा है, बहुत फर्क है जी। कोई उसके कोई रास्ते में कोई तंग नहीं करता, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता यहाँ पे, और रोड पे उनको यहाँ पे चोरी का भी डर कम है। अच्छा, इस ट्रक के सबसे अच्छे फीचर्स कौन से लगते हैं आपको, क्या है इसमें, मतलब आपकी जिंदगी ये ट्रक आसान कैसे करती है? ऑटोमेटिक ट्रक है। अच्छा, मैन आज ये देखिएगा फॉरवर्ड ड्राइव में कर दिया और बैक करना है, जस्ट इतना ही काम है, और कुछ नहीं। नहीं, गियर बूट का एक्सेलरेटर है और ब्रेक है। ब्रेक है और यहाँ पे क्लच नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है इसकी। आप जनरली रेस्टोरेंट में खाते हो या अपना खाना लेते हो? अपना खाना सभी लेके आते हैं बाहर, तो एक टाइम भी आपने खा लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको, जो हमारी कम्युनिटी वो तो बेसिकली की रोटी चाहिए उनको, रोटी चावल चाहिए। एक दिन बाहर खा सकते हैं, दो दिन खा सकते हैं, बट जो अपना खाना होता है जो पीछे फ्रिज है आपको दिखाएंगे, फ्रिज में रख लेते हैं, जहाँ पे जैसे माइक्रोवेव होता है इंडिया में, जैसे स्टोव होते हैं, जहाँ पे चूल्हा है छोटा सा, तो गैस पे उसमें छोटा सा सिलेंडर आता है तो उसमें वो लगे तो उसमें गर्म कर लेते हैं, वैसे सामान लेके आते हैं अपन सारे। वो कैंपिंग वाला चूल्हा जो होता है छोटा? हाँ, छोटा छोटा इतना सा होता है। अभी तो रोटी बनाने वाली मशीन आ गई है जी। हाँ, तो वो लोगों ने ट्रक कुछ जो दूर कैलिफोर्निया को चलते हैं 8-10 दिन, तो वो उसमें आटा डाल दिया, पानी डाल दिया, वो अपने आप बना के रोटी बना के निकाल देती है, वो भी मतलब पका के देती है। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपये बन जाता है, $8,000-$10,000 इजिली बनता है यहाँ पे अपना ट्रक वाला। $10,000 $8,00,000 रुपये हो गए। $8,00,000 रुपये महीने के? महीने के। पैसा अच्छा है इस इंडस्ट्री में, ऐसी कोई बात नहीं है, काम भी बहुत है और अपॉर्चुनिटी जिन लोगों के पास स्टडी नहीं है या कोई बिजनेस करने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। हिंदुस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ भाई, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। जो बहुत हार्ड जॉब है वो इजी जॉब नहीं है, लोग बड़ी मेहनत करके ये आपको 8-8, 10-10 दिन बाहर रहना, रोटी पानी वैसा, पर फैमिली से दूर रहना, बड़ी हार्ड जॉब है। यहाँ पे कंपैरिजन ये भी है कि यहाँ पे एक बंदा ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सर्वाइव कर सकता है, वहाँ का ट्रक ड्राइवर को सर्वाइव फैमिली का सर्वाइव करना भी मुश्किल है। मुश्किल बिजली का बिल, अगर कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल जाना पड़ गया 7-8 हज़ार तो वहाँ पे लग जाता है जी। उसको लिए भी अगर कुछ हो सकता है, एक परमानेंट एक रेट फिक्स जरूर हो ट्रकिंग वालों के लिए, मिनिमम रेट। हाँ, मगर इंडिया में दूसरी बात है कि जैसे ये आपका ट्रक है, इंडिया में ट्रक ड्राइवर का ट्रक नहीं होता, ट्रक ड्राइवर बस चलाता है, ट्रक किसी और का होता है। यहाँ मैं वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक तो रेट अच्छा हो, यहाँ में अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, पैसे किसी के पास नहीं, डाउन दिया और उसके क्रेडिट के हिसाब से वहाँ पे बैंक लोन लेके वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको जमीन के पेपर या कोई प्रॉपर्टी चाहिए होती है लोन देने के लिए, वहाँ पे लोगों जो ड्राइवर लोग हैं ना, वो जो गरीब तबका ज्यादा है, जो गरीब लोग हैं वो करते हैं, उनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती कोई, और हाँ उस वो जब लोन लेना होता है तो वो प्रॉपर्टी के पेपर मांगते हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर मांगते हैं वो उनके पास नहीं होते, वो किसी का ही चलाते रहते हैं। ये कंट्रियाँ हमारे लोगों को लेके ग्रो कर रही हैं। अब जरा भारत में राहुल की ट्रक यात्रा के हिस्सों को देखिए। कैसे आए इस काम में?
शुरुआत कैसे की? काम ही नहीं था जी, काम ही नहीं था ज्यादा। तो एक महीने में कितना चलाते हो, कितने दिन चलाते हो? ऑफ ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन चलाते हो? ऑफ नहीं मिलता हर रोज। हां जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे? है तो बहुत। और पैसा कितना मिलता है आपको? ठीक है, आपकी तनख्वाह 10,000 दे दें, 10,000 में बच्चे पल जाएंगे। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है? नहीं होता। नहीं, उसी बीमा कुछ नहीं होता। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सर डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो, 20 साल ही ड्राइवर नहीं होगी अब तो। लाइसेंस 60 वाले भी चला रहे हैं? और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट की ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। अगर सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहमान के ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे मान लो चाहे 12 घंटे का लो तो एक साइड तो आराम मिलना चाहिए, जैसे अभी हम 24 घंटे ही चले रहते हैं। तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। अगर आपका जो माल है अगर वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगर चोरी हो जाएगा तो पहला तो कटाफट ड्राइवर का ही होगा। ड्राइवर का ही करना, जो चोरी करने वाला वो तो भाग जाता है। हां, वो तो निकल जाएगा, सारा सामान ड्राइवर उसको ले जाएंगे, अंदर करेंगे, चार डंडे और मारेंगे और उनका उसको अपने दाम लगा देंगे। इतना माल मतलब गाड़ी वाले को सुरक्षा है, मतलब रिस्क रहता है पूरा।